हम बात करने वाले दिन पुणे कॉलेज के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो मैनेजमेंट की स्टडीज पुणे में करना चाहते हैं। रामाचंद्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये स्टैब्लिश 2014 में, ये प्राइवेट कॉलेज है और ये अफिलिएटेड है सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी से, अप्रूव बाय AICTE मिनिस्ट्री एजुकेशन से। सो यहाँ पर आपको MBA में 3 तरीके के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़े काफी यूनिक है। एक आपका नॉर्मल MBA प्रोग्राम होगा, दूसरा है आपका MD प्लस एम्प्लॉयबिलिटी, तीसरा है आपका MD प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्लस MDP यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हम बात कर लेते हैं कि इन प्रोग्राम में ऐसा क्या अलग है। पहले हम बात कर लेते हैं MD प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। तो जो आपको नॉर्मल MBA पढ़ाया जाएगा वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, इसमें आपकी काफी सारी ट्रेनिंग होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाई जाएंगी, आपको एक जॉब के लिए तैयार किया जाए जिसमें आपको इंग्लिश स्पोकन पर वर्क कराएंगे, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग होगी, IT स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी, स्टूडेंट के लिए तैयार किया जाए, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर डेवलपमेंट कराएंगे, उन सभी चीजों के लिए वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। कॉर्पोरेट टू कनेक्ट एकदम लाइफ एक्सपीरियंस कराया जाएगा, किस तरीके का कॉर्पोरेट में एनवायरमेंट रहता है। नॉलेज सेशन की एक्टिविटीज के अलावा आप IIM बैंगलोर से सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स में हो, टेक्निक हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, डिसीजन मॉडलिंग हो गया, डेटा एक्सप्लोरेशन माइनिंग हो गया एंड आपका डिमांड फोरकास्टिंग, ऐसे टॉपिक से एरिया पे आपको वर्क कराया जाएगा और आपको मैनेजमेंट फंडामेंटल की डीप नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सबसे अच्छी बात है ये सर्टिफिकेशन IIM बैंगलोर से आए। इसके बाद आपको 10 प्लस इंडस्ट्री विजिट कराएंगे, रेजिग्नेशन एजुकेशन स्ट्रिप होगी आपकी। तो ये था हमारा MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। तो अब हम जानते हैं MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्लस MDP यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें ऐसा क्या अलग जो मैंने आपको बताया। MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी में जो प्रोग्राम किया गया है वो आपका 2 वीक्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, आपको किसी बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप 2 वीक्स के लिए रहेंगे। तो वहाँ पर आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी जो एक्सपर्ट से कंडक्ट कराई जाएगी। ये था MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी MDP के बारे में। इसके अलावा वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन भी होंगे, अलग अलग होंगे, और जो आपने स्पेशलाइजेशन फोकस्ड सर्टिफिकेशन जो है, अगर आपने फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन चूज किया या मार्केटिंग चूज किया तो उसमें तो आप नॉलेज मिलेगी और आपको सर्टिफिकेट भी दिए, जो आपको मैनेजमेंट की डीप नॉलेज दी ही जाएगी और जो आपकी प्रोफाइल होगी वो काफी इम्प्रेसिव भी होगी। अब हम बात कर लेते एडमिशन प्रोसेस की। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, मिनिमम आपके 50% नंबर हो, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से की, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम वाले स्ट्रीम एलिजिबल है, कोई भी एंड एग्जाम जैसे CAT, ZET, CMAT, GMAT, और यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जो आपकी MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी की जो फीस है वो आपकी 4,75,000 है और जो आपकी MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्लस MDP वो आपकी 6,30,000। यहाँ पर आपको PhD कोर्स भी ऑफर किया जाता है, जो आपकी PhD कोर्स की फी है वो आपकी 6,30,000। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। जो आपका प्लेसमेंट होगा वो हाईएस्ट पैकेज होगा वो 12 लाख का और जो आपका एवरेज पैकेज होगा वो आपका 6 लाख का होगा। अब हम रिम कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आपको लाइब्रेरी, लैब, कैफेटेरिया, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको रिम कॉलेज की इन्फॉर्मेशन की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट करके या हमें कॉन्टेक्ट करके जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।